सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे बहुत ही आसान तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है तो उसमें कैसे उस स्कीम को फिलअप कर सकते हैं, उसको फॉर्म कैसे बहुत ही आसान तरीके से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आपका हाउस पाने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्भुत आपका जो अकाउंट है उसमें कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, सारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरिया के लिए जो होता है, तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आवास योजना होता है। तो उसके अंतर्गत अगर आपका मंथली इनकम 25,000 से कम है तो आप एक घर पा सकते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल भी फ्री होगा, गवर्नमेंट इंडिया ने आपको देगा। और वो उसका जो योजना है उसका नाम कहलाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो उसको पाने के लिए फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो उस ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करते हैं सर इस वीडियो में हम लोगों को दिखाऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों ये वो फॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। बेसिकली दो वेबसाइट है, तो दो वेबसाइट में से किसी भी में जाके आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दो वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो दोस्तों ये अगर आप कोई कैफे में या फिर कहीं पे और करने जाए तो आपको चार्ज लग सकता है, वो ले लेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, पर घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो किस तरह से फिलअप करना है देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो ये वो लिंक है दोस्तों, यहाँ पर आप खोल जाने के बाद देखिए इसका लिंक है registration.cac.in प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह का इसका लिंक है। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसको खोल जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह के फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ के आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको सही तरह से भरना पड़ेगा, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से सेम तरह से फिलअप कीजिए, तो उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि एंटर योर आधार नंबर, और एक बात है दोस्तों जहाँ पे स्टार मार्क लगा के रखा है इस फॉर्म को भरना मैंडेटरी है, मतलब उस स्टार मार्क के आगे और पीछे जो स्टार मार्क दिया हुआ है उस फॉर्म को आपको भरना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंटर योर आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है बारह डिजिट का वो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है मंथली हाउस होल्ड इनकम, तो सिंपल यहाँ पे जब ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है आपका इनकम कितना है, लेस देन 25,000 के नीचे है या फिर उससे आगे है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है और आप 5 लाख के कम है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस जो योजना है इसके अंदर अंतर्भुक्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिंपल लेस देन 25,000 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उससे कम है मेरा मंथली इनकम। और यहाँ पे जो क्या है कि आई हेयर बाय स्टेट दैट, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इनका प्रोसीड्यूर है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का एक CSC पोर्टल फॉर्म आपको सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आधा CSC KYC फॉर्म EKYC फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपका शो कर रहा है, और इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन करने के लिए तीन टाइप है। KYC वेरिफिकेशन करने के लिए आपका ही आधार नंबर आपका ही है, तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए तीन तरह का प्रोसेस है, जैसे करके आयरिस, फिंगरप्रिंट, वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों आयरिस क्या है दोस्तों, आयरिस दोस्तों बेसिकली एक सेंसर होता है जिसकी मदद से अब जब आधार कार्ड फॉर्म सेंटर पर जाते हैं तब देखते हैं कि आपके आंखों पे कुछ वो लगा देता है जिसको वेरिफिकेशन करने के लिए, तो दोस्तों उसको बोलते हैं आयरिस सेंसर। और उसके बाद है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट दोस्तों वो सेंसर होता है जो बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग करने के लिए जो सेंसर देता है वो सेंसर होता है, तो वो भी आपके पास नहीं है और हम लोगों के पास आयरिस सेंसर भी नहीं है। तो सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम पासवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। और दोस्तों वन टाइम पासवर्ड वो पासवर्ड है दोस्तों जो पासवर्ड मतलब ये वहाँ पर जाएगा जिस मोबाइल नंबर आपको आधार नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा। और दोस्तों अगर आपके आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, किस तरह से मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपका आधार नंबर के साथ रजिस्टर नहीं है और तब आपको आईडी और फिंगरप्रिंट की सेंसर की EKYC का जरूरी पड़ेगा। तो सिंपल मैं वन टाइम पासवर्ड पे ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे पे प्रोसीड है, सिंपल प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका आधार नंबर यहाँ पे आ चुका है। आई हैव स्टेट दैट के यहाँ पे ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आप जो है आधार कार्ड पे किस तरह से OTP लेना पाए
पसंद करेंगे, ठीक है, तो SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा, मैं दोनों पे द्वारा लेना पसंद करता हूँ। तो SMS ईमेल के ऊपर सिंपल जो टिक रहता है उसको रहने दीजिए, उसके बाद जनरेट OTP क्लिक कर देता हूँ। जैसे जनरेट OTP क्लिक करेंगे दोस्तों, प्रोसेसिंग हुआ, OTP जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पे एंटर OTP को जो आप रिसीव किया है मोबाइल नंबर पे वो यहाँ पर डालने के लिए बोल दे। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे देखिए इस OTP का वैलिडिटी 10 मिनट है, जब आप पाएंगे तब से लेके 10 मिनट तक है। तो मैं जो OTP मेरा मोबाइल पे आया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो आधार नंबर मैंने दे के रखा हूँ, तो नंबर को यहाँ पर डाल देता हूँ। और दोस्तों OTP को डाल देने के बाद यहाँ पे वैलिड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और दोस्तों कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद एक फॉर्म ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। और देखिए इस तरह से फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या सर्व करेगा कि आपका फॉर्मेट बी जो फॉर्म है उसको आपको मतलब फिलअप करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर सर्वे, सर्वे के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 95% फॉर्म का फिलअप होके ही आएगा, क्योंकि आपका जो आधार नंबर दिया है ना, उस आधार नंबर के साथ जितना सारा लिंक किया हुआ है डेटा सब यहाँ पे ऑटोमेटिक बॉक्स पे फिलअप हो जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, सबसे पहला क्या है कि आधार कार्ड नंबर, नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली का नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका फादर्स नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और एप्लीकेशन आईडी जो है वो मतलब इस फॉर्म को फिलअप करने के जो एप्लीकेशन आईडी क्रिएट है वो क्या है, और उसके बाद एज ऑफ हेड फैमिली का एज कितना है, उसका जेंडर कितना है, उसका मेल आईडी कितना है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल आपको ये तो ऑटोमेटिक फिलअप हो ही गया, तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है वो भी फिलअप होकर आ जाएगा, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे जो स्टार मार्क का करके है मैंडेटरी फिल है तो भर दीजिए, नहीं भरा हुआ है तो दोस्तों। सबसे पहले हाउस और डोर नेम, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद स्टेट नेम, स्टेट नेम भी ऑटोमेटिक आ गया। सिटी नेम, सिटी नेम अगर कुछ है तो, मेरे पे वहाँ पे कुछ नहीं दिया था आधार कार्ड में तो यहाँ पे नहीं आया, अगर आपका है तो वो डाल दीजिए। वहाँ पर नेम ऑफ स्ट्रीट का, स्ट्रीट का नेम क्या है वो डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है वो भी मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको परमानेंटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो पिन कोड है वो भी ऑटोमेटिक आ गया, वो तो सिलेक्ट कर लीजिए अगर नहीं आया तो आपका। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम तरीके से भर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर डिटेल्स पे क्या है कि फैमिली का हर एक का नाम, और उसके बाद उसका साथ रिलेशनशिप, जैसे कि पिताजी का नाम यहाँ पे डाल दिया पहले वाले में लेफ्ट साइड पे। उसके बाद पिताजी के साथ आपका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन में आपका जाके उसके फादर्स कर सकते हैं। उसके बाद उसका जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, और आदर्स आईडी टाइप कुछ है तो मतलब आधार कार्ड के सिवा छोड़ के कुछ पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और आधार आईडी नंबर और कुछ है तो ठीक है। ऐसे करके ऐड ऐड करके आपका घर में जितना सारा पर्सन है सभी का इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन, ठीक है, अब हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे रिलीजन में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंडेटरी फील्ड है दोस्तों, बैंक नेम, जिस बैंक में वो जो मानी होता है, जिसको घर करने के लिए आपका मतलब जो हाउस है उसको करने के लिए जो गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा उसको मतलब रिसीव करने के लिए जो बैंक अकाउंट का ज़रूरत है वो बहुत ही मैंडेटरी फील्ड है दोस्तों। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस आधार नंबर आप दे रहे हैं, ठीक है, जिसके नाम पर आप फॉर्म फिलअप करें उसी के नाम पर आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। तो उसका बैंक अकाउंट नाम यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब कहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नाम है, उसका ब्रांच नेम क्या है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद फिर से कंफर्म कर दीजिए बैंक अकाउंट नंबर को। उसके बाद उस बैंक का IFSC कोड जो होता है, अगर IFSC कोड आपको पता नहीं है तो दोस्तों अब आपका जो पासबुक होता है वहाँ पर आपका IFSC कोड मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप IFSC कोड को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर सब या स्टेट इन दिस टाउन सिटी, कब से आप रह रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आएगी वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप हैंडीकैप्ड है या फिर नॉर्मल पर्सन है, वो यहाँ पे येस और नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादी हुआ है कि नहीं, कि वो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वेदर द फैमिली ओन्स एनी हाउस एंड एनीवेयर इंडिया, पूरी इंडिया पे कहीं पे भी आपका कोई छोटा सा भी अगर मकान या फिर घर कुछ है वो तो है कर दीजिए येस, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद ओनरशिप डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब जिस घर का अब डिटेल्स दिए है उसका जो ओनरशिप है, ठीक है, उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। टाइप ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, क्या घर आपके घर में छाद है, रूफ है या फिर नॉर्मल घर है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसका स्टेटस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डाज द फैमिली हैव ए BPL कार्ड, आपका BPL कार्ड है कि नहीं वो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका जो पुराना वाला घर है उसको इन्हेंस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई नया घर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जो कैप्चा कोड है 77DF, हर बार चेंज होते रहता है हर फॉर्म में, तो ये आपको डाल देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच यू बैंक AFC फॉर चॉइस, यहाँ पे जो टिक मार्क है इसको यहाँ पे डाल दीजिए, और नीचे जो सबमिट और कैंसिल है सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें आपका ये जो फॉर्म है 100% फिलअप कंप्लीट हो चुका होगा,
और आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीना या फिर 2 महीने तक, आपको चेक करते रहना पड़ेगा, तो आपका प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसमें आपका अप्लाई सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, मतलब अब अप्रूव हुए है कि नहीं, अगर अप्रूव हुए है तो आपको उसमें नाम है कि नहीं, ठीक है। और कब तक आपका मतलब जो टाका होता है, जो मनी होता है, तो कब तक आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो यही तक था दोस्तों आज का वीडियो, जो ए स्टेप मैंने दिखाया किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले जो अर्बन एरिया में जो दोस्त आपका रहता है, तो वो भी अगर उसके मकान नहीं है, घर नहीं है, तो वो कर सकते हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके से, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों लाइक कर देना, अगर कोई बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको जरूर हेल्प करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, बाय।